हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑर्गेनिक क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगाया था हम लोगों ने, कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन, कि इनकम्प्लीट रिएक्शन आपके पास दिया हुआ रहता है और आपको उसको कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है। यानी आधा रिएक्शन आपके पास दिया हुआ रहता है और प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे और इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टाइप का एक और रिएक्शन मैंने बताया था, एक और टाइप का क्वेश्चन बताया था, तो जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपेंस, यानी क्या होता है। तो लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन उपस्थित रहता है कि क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में भी आते हैं। अब हमें देखना है, प्रिपरेशन में ही आगे बढ़ना है और देखना है कि अल्काइल हैलाइड बनाने का और क्या तरीका है हमारे पास। अल्कोहल पहला था हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वह है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। हमारे पास तरह तरह के हाइड्रोकार्बन है और उसको हम अल्काइल हैलाइड में कैसे चेंज करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये अब हमें देखना है। तो अल्काइल हैलाइड बनाने में जो हाइड्रोकार्बन का योगदान है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला मेथड है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, यानी जो हमारे पास मैकेनिज्म है वह पूरे दो टाइप के हैं। पहला रिएक्शन, पहला मैकेनिज्म होता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा हमारे पास होता है आयनिक मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट, 11th क्लास में आपने देख रखा है कि अगर एक बॉन्ड का रप्चर हो रहा है, यानी अगर एक बॉन्ड टूट रहा है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक पहला सबस्ट्रेट के पास, एक दूसरा सबस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट, अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सबस्ट्रेट के पास चला जाए, तो वहां पे जो जनरेट होता है मैकेनिज्म उसको बोलते हैं हम आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे मैंने जो अभी बात समझाया, यानी मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक बॉन्ड है, क्या है, एक बॉन्ड है। अगर यह बॉन्ड यहां से रप्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। रप्चर का मतलब क्या होता है, रप्चर का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। तो पहला केस यह हो सकता है कि मान लीजिए यहां पे अपने पास ए है और यहां पे अपने पास क्या है, बी है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब यह बॉन्ड टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दो। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दो। तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ जाए। तो इस केस में जो मैकेनिज्म बनता है, जो हमारे पास क्रियाविधि बनता है, उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा केस हो सकता है कि इसके पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अपने पास क्या हो, ज्यादा हो, और ए के पास खींचने की पावर क्या हो, कम हो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहां चला है, बी के पास चला है। तो इस केस में जो है यहां आ जाता है निगेटिव और यहां आ जाता है पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, आयनिक मैकेनिज्म। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 11th में देख रखा है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट मान लेते हैं हम कि ए का जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पावर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर है, वो बी से क्या है, ज्यादा। तो इस केस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह उठ के कहां चलाएगा, ए के पास। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यानी यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और इस केस में बी पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन गया
मान लीजिए सपोज दैट बी से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, ए के पास, तो बी पे जो पॉजिटिव साइन बना है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। दूसरा जो सेंटर है ए, यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी इसका शेयरिंग था कितना, एक, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, दो, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, तो ये सब 11th क्लास की बातें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। फिलहाल हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कहाँ आते हैं, मैंने इतना डिस्कस यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि इसका यूज है अभी हमारे पास, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हमारे पास क्या है, यूज है, एप्लीकेशन है, इसका जरूरत पड़ेगा अभी मुझे यहाँ, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देख रखा है। इसको नंबर दे दिया जाए 2, दो नंबर दे दिया जाए। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेडिंग दे दिया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन, इसमें पहला हमारे पास मेथड था अल्कोहल के द्वारा हमने अल्काइल हैलाइड बनाया, दूसरा है, दूसरा जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे हैं, हमको कैसे बनाना है, क्या क्या उसके लिए हमें हथकंडा अपनाना पड़ेगा, ये किस में देखना है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी वैसे कंपाउंड जिसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें पहला जो मेथड हमारे पास आता है, पहला जो मेथड आता है ए, इसका नाम क्या दे दिया जाए, ए, यानी पहला जो मेथड है वह है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन को मैंने इन शॉर्ट में लिखा है आर के और उसके ऊपर एन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब प्रतिस्थापन क्या है, बात आती है हमारे पास यहां की क्या है, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट होना। जैसे हम लोग कोई गेम देखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है फील्डिंग में, तो उसके जगह पे क्या होता है, दूसरा प्लेयर आता है, तो वहां पे पहले के स्थान पे दूसरा प्लेयर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, यानी प्रतिस्थापित होता है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और इसके द्वारा अल्काइल हैलाइड हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन भी है इस पे, इसको एक क्वेश्चन द्वारा भी हम बता सकते हैं। जैसे वह क्वेश्चन आता है अपने पास कि एग्जाम में आ भी जाता है कि क्या होता है। इसी चीज को मैं एक क्वेश्चन के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा आता भी है, क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया, क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया सूर्य की अप्रत्यक्ष किरण में, सूर्य की अप्रत्यक्ष किरण में क्लोरीन के साथ, होती है, ठीक है। इस चीज को एक क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में बना के पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया सूर्य के अप्रत्यक्ष किरण में किसके साथ होती है, क्लोरीन के साथ होती है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा भी हमारे पास जो बन के आएगा प्रोडक्ट हुआ क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। तो हम देखते हैं उस चीज को, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, उस रिएक्शन को आप देखते हैं। यानी मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ। हम देखते हैं CH4 अपने पास क्या है, मीथेन। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ, ठीक है। यह होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट, की उपस्थिति में, जिसको बोला जाता है सूर्य का, अप्रत्यक्ष किरण। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सूर्य का अप्रत्यक्ष किरण। यानी मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। किसके उपस्थिति में, सूर्य के अप्रत्यक्ष किरण के उपस्थिति में। इसका नाम लिख दिया जाए मीथेन। ओके स्टूडेंट, तो पहला जो प्रोडक्ट मिलता है वह मिलता है CH3 और इसके साथ क्या मिल गया, Cl प्लस बाहर क्या हो गया, HCl। क्या बाहर हो गया, HCl। तो ये हमें क्या मिल गया, क्लोरोमीथेन। क्या मिल गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है। यह पहला स्टेप हुआ। कौन सा स्टेप हुआ, पहला स्टेप हुआ। अब देखिए यह जो रिएक्शन होता है यह एक चैन रिएक्शन होता है। क्या होता है, चैन रिएक्शन होता है। यानी क्लोरीन मीथेन के साथ तब तक रिएक्शन करता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा मीथेन अल्काइल हैलाइड में ना बदल जाए। क्या चीज में ना बदल जाए, अल्काइल हैलाइड में ना बदल जाए। यानी एक एक करके हाइड्रोजन हमारे रिएक्शन से रिप्लेस होते जाता है और उसके स्थान पे क्या आता जाता है, क्लोरीन आते जाता है। यानी मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम है, चार। यानी तब तक
यह रिएक्शन होते रहता है जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम क्लोरीन में ना बदल जाए। क्या चीज में ना बदल जाए? क्लोरीन में ना बदल जाए। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यह रिएक्शन फिर होता रहेगा और फिर वैसे ही यह रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ होगा? क्लोरीन के साथ, यानी CH3 और Cl प्लस। फिर यह रिएक्शन होगा किसके साथ? Cl2 के साथ। वही सेम रिएक्शन होगा किसके उपस्थिति में? डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में रिएक्शन होगा स्टूडेंट? डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में। तो एक और फिर हाइड्रोजन परमाणु यहां से एलिमिनेट होगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? फिर क्लोरीन आ जाएगा। तो इस बार हमें मिल जाएगा CH2 और Cl2 प्लस, बाहर क्या हो जाएगा? HCl। इसका नाम होता है मिथाइलिडीन क्लोराइड। क्या नाम होता है स्टूडेंट? मिथाइलिडीन क्लोराइड। क्या नाम होता है? मिथाइलिडीन क्लोराइड। या इसका एक और नाम हो जाता है डाइक्लोरो मीथेन। दो नाम आप लिख सकते हैं, मिथाइलिडीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। तो यहां पे दूसरा रिएक्शन में जो है कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया? दो। और कितना हैलोजन एटम हमारे पास आ गया? दो। नेक्स्ट यह रिएक्शन और भी चलते रहता है। अगेन रिएक्शन होता है CH2 और Cl2 और इसका रिएक्शन फिर किसके साथ होगा? Cl2 के साथ। यह भी रिएक्शन होगा डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में, डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में। तो इस बार हमें क्या मिलेगा? CH और Cl3 प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। इस कंपाउंड का नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन। दिख रहा है? क्लियर? ट्राइक्लोरोमीथेन। या इसका एक और नाम हो जाता है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस नाम है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम हो जाता है इसका? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं मीथेन। यहां पे मीथेन पे ध्यान देते हैं और इस प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, यानी कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुका है? तीन। एक और रिएक्शन, फिर यह रिएक्शन होता है CHCl3 प्लस Cl2। सिमिलर रिएक्शन होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में होता है? डिफ्यूज्ड सनलाइट की उपस्थिति में। और मिल जाता है CCl4 जिसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है? प्लस बाहर क्या निकल गया हमारे पास? HCl। क्या बाहर निकल गया? HCl। यानी हम देखते हैं मीथेन के ऊपर कि यह रिएक्शन तब तक चलता रहा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम चेन रिएक्शन। और या इसका जो क्रिया विधि है वह किसके द्वारा हुआ है? मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको VVI लगा लिया जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यह रिएक्शन आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है और सूर्य के अप्रत्यक्ष किरण में। यहां एक और हम चीज ले सकते हैं, यह जो डिफ्यूज्ड सनलाइट है इसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रेज, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट किरण।
अल्ट्रावायलेट किरण, डिफ्यूज सनलाइट भी लिख सकते हैं हम और यूवी रेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर मैं इसका क्रियाविधि अभी समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इसको मिटाया जाए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसका थोड़ा सा क्रियाविधि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिएक्शन हुआ है तो हुआ है कैसे, क्या क्या तरीके हैं इसके क्रियाविधि के। तो अब हम इसका देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म, क्या देखना है हमें इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रियाविधि। क्या बोलते हैं, क्रियाविधि। तो इस टाइप के रिएक्शन में जो है सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वह होता है मुक्त मूलक का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो जब देखिए, यानी एक बॉन्ड का जब ये फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वह यह क्लोरीन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वह यह क्लोरीन दिया है। जब दोनों क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किया है तो क्या बना है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बना है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर सपोज दैट, मान लीजिए यह बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है, यह बॉन्ड जो है टूट रहा है, तो यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है जितना फोर्स के साथ यह क्लोरीन खींच रहा है उसको, सेम उतना ही फोर्स के साथ क्या हो रहा है, यह क्लोरीन भी खींच रहा है। तो यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का फिर क्या हो जाएगा, बराबर बराबर डेविडेशन हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास, और वह जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स। यानी उनके पास बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है एक और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की, अपना ऑक्टेट पूरा करने की, यानी एक बॉन्ड बनाने की। तो उस तरह से इस तरह से यह क्या बनता है, हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह जो क्लोरीन है यह भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और यह क्लोरीन है यह भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये यहां पे क्या बना है, एक बॉन्ड बना है। अब मान लीजिए यह जब बॉन्ड टूट रहा है, यह जब बॉन्ड टूट रहा है तो जितना फोर्स के साथ इन दो इलेक्ट्रॉन को यह खींच रहा है उतना ही फोर्स के साथ क्या हो रहा है, यह भी खींच रहा है। यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, वहां पे फिर आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस क्लोरीन के पास। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। क्या बन के आ जाएगा, फ्री रेडिकल। देखते हैं, Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी Cl एक फ्री रेडिकल यहां पे आ गया प्लस Cl एक फ्री रेडिकल यहां पे आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि यह मीथेन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है स्टेप टू में। तो C H H H और यहां भी क्या आ जाएगा, H। अब अगर यह बॉन्ड टूट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास,
यानी यहां पे अपने पास बन के आ जाएगा एच सी एच एच और एक रेडिकल यहां पे आ गया प्लस एक रेडिकल यहां पे आ गया। आ रहा है स्टूडेंट यहां तक बात समझ में? अब अगर दो रेडिकल आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी यानी ये क्लोरीन आ जाएगा इस कार्बन के साथ और यह क्लोरीन आ जाएगा इस हाइड्रोजन एटम के साथ। फाइनली हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, एच 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 और यहां पे क्या आ गया सी एल प्लस, बाहर क्या निकल गया एच सी एल, एक प्रोडक्ट मिल गया अपने पास। तो सेम जैसे मैंने बताया, अब दूसरा स्टेप कराते हैं हम। मान लीजिए एच सी एच और यह बॉन्ड जब टूटा तो एक रेडिकल इसके पास और एक रेडिकल इसके पास, यहां क्या है अपने पास सी एल। फिर यहां पे जब ये रिएक्शन हुआ है तो बन गया है एच सी सी एल एच और यहां अपने पास क्या आ गया एक रेडिकल प्लस एच के पास क्या हो गया एक रेडिकल। ठीक है, यहां रहा बात समझ में? सब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा एक एक करके टूटते जाएगा और वह किसके द्वारा रिप्लेस होते जाएगा, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होते जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर यह रिएक्शन हम कराते हैं सी एल के साथ, तो सी एल प्लस सी एल एक रेडिकल यहां पे और एक रेडिकल यहां पे, अपने पास प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा सी सी एल सी एल एच एच प्लस बाहर क्या हो जाएगा एच सी एल। एज इट इज यह रिएक्शन सेम इसी टाइप से चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन किससे ना रिप्लेस हो जाए, क्लोरीन से ना रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो यह इसका मैकेनिज्म है, आसान है, लेंथी नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वह दो इलेक्ट्रॉन फिर अगले दो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके नए नए बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यह ऐसा क्यों हुआ, यह मैकेनिज्म ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक नए रिएक्शन नहीं होंगे तब तक नए रिएक्शन नहीं होंगे जब तक कि कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है। अगर किसी बॉन्ड का रप्चर नहीं होगा तो कोई नया रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग बॉन्ड क्या करते हैं, टूटते हैं और नए नए शेयरिंग करते हैं, नए नए क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो बॉन्ड टूटने का एक ही मकसद है, बॉन्ड ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि वो नए रिएक्शन में भाग ले सके, नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सके। तो यहां पे देखिए क्या हुआ है, तीन जगह चार जगह हाइड्रोजन बॉन्ड का रप्चर हुआ है और चारों जगह क्लोरीन से वह क्या हुआ है, शेयरिंग किया है, कार्बन क्लोरीन से शेयरिंग किया है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग किया है और सब प्रोडक्ट के रूप में सभी जगह हमारे पास क्या बन गया है HCl 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 और HCl। तो यह है मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चारों ही केस में हमारे पास मकसद क्या था, अल्काइल हैलाइड बनाना। चारों ही केस में हमारे पास क्या बन के आया है, अल्काइल हैलाइड। देखिए यहां पे एक अल्केन है क्या अपने पास, यहां पे क्या है अल्केन है और इसके साथ क्या जुड़ गया है हैलोजन, तो यह क्या बन गया अल्काइल हैलाइड, क्या बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां पे भी अपने पास यह क्या है इतना पोर्शन अल्केन और यहां यह क्या हो गया हैलोजन, यहां पे भी यह क्या बन के आ गया अल्काइल हैलाइड। क्या बन के आ गया अल्काइल हैलाइड, आसान है। और यह जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म को भी आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए और इस पे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं।
ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए इसको। ठीक है तो हमारे पास जो था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हम क्या बना रहे हैं, अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, एराइल हैलाइड भी आगे चल के बनाएंगे हम। ठीक है तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं बी, हाइड्रोकार्बन में कौन सा स्टार्ट करते हैं बी। पहला हमने देखा था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब दूसरा इसमें बी पोर्शन जो है वह मैं बताने जा रहा हूं आपको डी एजोटाइजेशन। क्या बताना है, डी एजो टाइजेशन, डी एजोटाइजेशन डायजोनीकरण, डायजोनीकरण, डायजोनीकरण यह जो है डायजोनीकरण, इसको सबसे पहले दिया था क्रेसिस ने। किसने दिया था, क्रेसिस या एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे 1858 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1858 ईस्वी। ठीक है डी एजोटाइजेशन, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी एजोटाइजेशन। डीबीआई लगा दिया जाए इसको। ठीक है अब डी एजोटाइजेशन, यह जो डी एजोटाइजेशन है यह आपको यहां भी मिलेगा और या आपको जो अपना फोर्थ यूनिट है, फोर्थ चैप्टर है एमीन, वहां पे भी यह मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे मिलेंगे, कपलिंग रिएक्शन, जिससे रेड डाई बनाया जाता है, ऑरेंज डाई बनाया जाता है। तो डी एजोटाइजेशन की जरूरत हमारे पास क्यों पड़ा, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज में डाई बनाए जाते हैं, जो कलर बनाए जाते हैं, उसमें डी एजोटाइजेशन का बहुत ही अहम योगदान है। इससे कपलिंग रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन में हमें रेड डाई मिलता है, येलो डाई मिलता है, तो वहां पे हमारे पास किसका जरूरत पड़ता है, डी एजोटाइजेशन का। किसका जरूरत पड़ता है, डी एजोटाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ देख रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यहाँ पे इसका क्या मकसद आ गया भाई, तो यहाँ पे इसका जरूरत है हमें हेलो एरिन बनाने में। क्या चीज बनाना है इसके द्वारा हमें, हेलो एरिन्स, यानी जो बेंजीन रिंग है उसके उसमें जो है डी एजोटाइजेशन के माध्यम से हमें हैलोजन को अटैच करना है, हैलोजन को जोड़ना है, वो भी रिएक्शन के द्वारा। तो अब हमें देखना है डी एजोटाइजेशन। अब देखिए डी एजोटाइजेशन, देखिए यहां पे डी आई मतलब क्या होता है, डाई, क्या होता है डाई, डाई का मतलब क्या है, दो, क्या मतलब है, दो, और एजो क्या है दूसरा हमारे पास, एजो ग्रुप, एजो यानी जो नाइट्रोजन एटम होता है एमीन, एमीन में जो नाइट्रोजन उपस्थित रहता है उसको बोला जाता है एजो ग्रुप। तो अगर दो नाइट्रोजन है तो डाई एजो, सिंपल है। तो अब हमें देखना है डी एजोटाइजेशन, यानी इसमें सबसे पहले हमें बनाना है डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनाना है स्टूडेंट, डायजोनियम सॉल्ट, और फिर डायजोनियम सॉल्ट के द्वारा हम बनाएंगे, प्राप्त करेंगे एराइल हैलाइड। क्या बनाना है हमें, एराइल हैलाइड। तो मैं इस रिएक्शन को देखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझना है। देखो ये हमारे पास है एनिलीन, क्या है एनिलीन, यहां पे मैं क्या लगा दूं, NH2 एनिलीन, इसका कॉमन नाम क्या हो जाता है एनिलीन। इसका
इसको और भी नाम हम दे सकते हैं एमिनो बेंजीन। क्या नाम दे सकते हैं? एमिनो बेंजीन। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब NaNO2 और HCl की उपस्थिति में NaNO2 और HCl की उपस्थिति में प्लस दे दिया जाए NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या यूं लिख सकते हैं आइस कोल्ड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है रिएक्शन? आइस कोल्ड की उपस्थिति में जब होता है तो हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन और इसके साथ CN। दिख रहा है एन ट्रिपल बॉन्ड एन और CN, यानी CN पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और N पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डीएजोटाइजेशन। क्या बोला जाता है? डीएजोटाइजेशन। इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है BDC। क्या बोला जाता है? BDC। पूरा नाम लिखा जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डीएजोटाइजेशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? डीएजोटाइजेशन। और यह क्या होता है? सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट होता है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डीएजोटाइजेशन। क्या बोला जाता है? डीएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको कि इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। इसका डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लिया जाए या केवल इंग्लिश में लिख लिया जाए, बात सेम है। सबसे पहले इंग्लिश में लिख लिया जाए, व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विथ NaNO2 and HCl on 0 to 5 degree Celsius temperature, then benzene diazonium chloride, This reaction is known as
this reaction is known as deazotization. This reaction is known as deazotization. ठीक है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, हिंदी में कैसे लिख सकते हैं कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे क्या बोला जाता है, डीएजोटाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीएजोटाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए यहां पे जो N ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, डाईएजो ग्रुप। क्या बोला जाता है, अगर एक नाइट्रोजन है तो एजो ग्रुप, अगर दो नाइट्रोजन आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डाईएजो ग्रुप। तो क्या नाम है इसका, डाईएजो। क्या नाम है स्टूडेंट, डाईएजो। दो नाइट्रोजन है तो उसको हमने क्या बोल दिया, डाईएजो ग्रुप। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, यह रिएक्शन हुआ कैसे, हमने तो यहां बस इनपुट लिया और आउटपुट में प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन यह रिएक्शन हुआ कैसे हमें समझना है इसके बारे में। तो मैकेनिज्म जो है इसका हम लोग देखते हैं। पहले इस रिएक्शन को आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको क्या लगाया, VBI लगाया। पहले इसको लिख लीजिए, आप लोग राइट डाउन कीजिए इसको। तो हम लोगों ने आज देखा डीएजोटाइजेशन, तो समय अपना खत्म हो चुका है। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा। जो भी मैंने आज बताया है इस लेक्चर में, जो भी पढ़ाया है उसको आप बेहतरीन तरीके से बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और उसको पढ़िए एक बार, और बुक का प्रॉब्लम बनाइए, एग्जाम बनेगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिर यहाँ डिक्टेट कर दूंगा। सो इसको लिख लीजिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और अपना कमेंट हमारे तक पहुँचाइए। थैंक यू।